मनोज, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना अच्छा, इतना बढ़िया आप इनिंग्स आपने खेला हैदराबाद के खिलाफ। कितना मुश्किल था ये, क्योंकि ये बहुत लोगों को जवाब भी देना था, क्योंकि आईपीएल आप नहीं खेल रहे, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लेकिन बार बार आपको साबित करना पड़ता है कि आप इस लेवल में बिलोंग करते हैं, बार बार आपके साथ ही ऐसा होता है। देखिए, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ कि मेरे साथ होता है कि बाकियों के साथ क्यों नहीं होता है, बट मेरे ख्याल से हमारे देश में और भी कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ अच्छा करने के बाद भी मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी भी कारण से वो बाधाएं आ जाती है, और कभी ना कभी खराब तो लगता ही है, लेकिन खराब लगने के बाद कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारा काम देखिए ग्राउंड में जाके बैटिंग में रन बनाना है, अगर बॉलिंग मिली तो विकेट लेना है, और टीम के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना रहता है फील्ड में। तो बस वही मकसद लेके हम लोग ग्राउंड में उतरते हैं, और बस वही एक मौका रहता है जवाब देने के लिए। जो भी लोग भरोसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्कोर देखने के बाद, ये रन देखने के बाद हो सकता है उन लोगों के सोच में कोई बदलाव आए। देखिए, आप ऐसा एकमात्र नमूना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 बनाया, इसके बावजूद अगले मैच में आपको ड्रॉप कर दिया गया था। तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है। एक एक था, वो भी करीब 130 साल पहले शायद हुई थी। ये तो फैक्ट है कि 100 बनाने के बाद मैं ड्रॉप्ड हो गया था प्लेइंग 11 से, लेकिन 6 महीने मैं टीम के साथ ट्रैवल किया था, तो मेरे लिए थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा मतलब सोच के बाहर ही था, बट उसके ऊपर अब मैं ज्यादा टिप्पणी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम पे कोच और कैप्टन और मैनेजमेंट क्या सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे, वो हो सकते हैं थोड़ा बहुत दूसरा सोच रखे हो, जिस लोग को लगा होगा कि कोई दूसरा प्लेयर हो सकता है आगे आके मतलब ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन हाँ, मुझे भी पता था कि 100 के बाद तो ऑब्वियसली मैच खेलूंगा, पर हुआ नहीं। ऑब्वियसली खराब तो लगता ही है क्या, क्योंकि मनोबल जो है इंसान का, वो प्लेयर्स का, वो टूट जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं दोबारा खेला मतलब प्लेइंग 11 में भारत के लिए, उसमें भी परफॉर्मेंस किया था, 65 रन बनाए थे श्रीलंका के साथ एक मैच में, चार उसके बाद विकेट भी चार लिए थे। विकेट हाँ, चार विकेट और 21 रन भी बनाया था, तो मुझे याद है। और उसके बाद भी बट मेरे करियर में ऐसा हुआ है कि ज्यादातर मैं वो अगर 5 मैच का सीरीज हो तो चौथा मैच खेला हो या 5वां मैच खेला हो, एक मौका मिला या दो मिला है। फिर एक बार बहुत पहले वेस्ट इंडीज गया था तो वहां पे मुझे ओपन करने को बोला गया था, जब मैं हमेशा मिडिल ऑर्डर में खेला हूँ, तो सिचुएशंस कुछ सही तरीके से कह सकते हैं कि आइडियल नहीं था। मनोज, पहले दिन के खेल के बाद आप 150 ओवर पर नॉट आउट थे, तो दूसरे दिन जब आप आए हैदराबाद के खिलाफ बल्लेबाजी करने, तो क्या आपके मन में चल रहा था कि आप एक बड़ा स्कोर बनाना है, 200 200, शायद 300, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है शायद आपको, आप वापस भारतीय टीम या फिर अगले लेवल के लिए वापस कंसिडर हो सकते हैं? हाँ, सोच तो यही था कि बड़ा रन बनाना है, और 156 रन पहले दिन में ही बना दिया था, तो जिसके कारण ये विश्वास तो था कि अगर मैं सुबह का सेशन थोड़ा खेल लेता हूँ तो 300 रन तो बना ही सकता हूँ, क्योंकि एक दिन में अगर 150 रन किसी प्लेयर का बनता है तो नेक्स्ट डे वो मौका रहता है कि अगर थोड़ा पॉजिटिव खेल के और कैलकुलेटिव रिस्क लेके अगर खेले तो बंदा 150 रन बना सकता है। अगर कोई प्लेयर 100 पे रहता है ओवरनाइट तो फिर दिक्कत होती है, लेकिन मेरा पहला एम यही था कि नया बॉल खेल के निकालना है और उसके बाद 200 टारगेट करना है, उसके बाद फिर जो भी आएगा धीरे धीरे जैसा समय रहेगा। और हमारे टीम के मैनेजमेंट ने बोला था कि 30 तक बैटिंग है, तो उस हिसाब से बैटिंग चल रही थी। मनोज तिवारी एक ऐसे क्रिकेटर है जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 99 एवरेज करने के बाद भी उनको इंजरी हुई थी, इसके 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 चलते उनको पहला सीरीज वो खेल नहीं पाए थे बांग्लादेश में भारतीय टीम के तरफ से। इसके आगे जहां भी उनको मौका मिला, मुझे याद है वही रन बनाए, रणजी ट्रॉफी फाइनल में भी रन बनाए, चाहे आईपीएल में जब मौका मिला वहां भी रन बनाए, बेस्ट स्टाइलिश क्रिकेटर का सम्मान मिला 3 4 मैचेस में, आईपीएल फाइनल में रन बनाए, नाइट राइडर्स को जीत दिलाए, इसके बावजूद भी उनको अगले लेवल में स्नब किया गया।
तो यहाँ मनोज तिवारी 300 बनाए, तो एक आखिरी सवाल मनोज आपसे, ये 300 रन क्या कमबैक हो सकता है? आपको लगता है कि एक कमबैक माइलस्टोन हो सकता है भारतीय टीम में वापस आने का, क्योंकि नंबर चार का वो जो मिस्ट्री है पिछले 3-4 सालों में कभी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ? देखिए कुंतल दा, ये मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल है कि ये रन बना, लेकिन क्या आप तैयार है? जो बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं मनोज तिवारी को उम्र हो चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे टॉप पे जो टॉप के सारे खिलाड़ी जो खेल रहे हैं वो आराम से खेल रहे हैं, आप फिट है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए उम्र जो होती है वो सिर्फ एक नंबर होता है, और जितने भी ग्रेट्स जो भी अपने अपने स्पोर्ट्स में जो लोग ग्रेट्स हुए हैं और जितने भी बड़े लोग बने या सक्सेसफुल लोग बने, सभी यही कहते हैं कि एज जस्ट अ नंबर। हमारे गेम में देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स में अगर आप फिट हैं और अगर आपके बैट से रन बन रहा है, अगर आप बैट्समैन है बॉलर हैं तो विकेट ले रहे हैं, तो फिर इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है। और आज अगर मैं 34 साल का हूँ, 34 साल में जाके मैं अगर 300 बना सकता हूँ, तो जब मेरा कम उम्र था तब मैं 300 नहीं बनाया तो अभी बनाया, तो इसमें एज तो हेल्प ही कर रही है ना रन बनाने में। और खाली प्रश्न ये रहता है कि आप फिजिकली फिट है कि नहीं, मतलब क्रिकेट फिट है कि नहीं, मैच फिट है कि नहीं। तो मैच फिट तो हुई, मैं भगवान का दया से मेहनत कर ही रहा हूँ, ट्रेनिंग में भी सब जगह ट्रेनिंग कर रहा हूँ, फील्डिंग भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ। तो हमारा देखो कुंतल भाई, हमारा काम यही है कि बैट से जवाब देना है, रन बनाना है, उसके बाद सिलेक्टर सोचेंगे कि मौका देना है तो फिर देंगे। चलिए अभी भी 3 मैच बाकी है रणजी ट्रॉफी का, और उसके आगे नॉकआउट फेज का भी मैच उम्मीद करेंगे कि आप खेलेंगे और बहुत सारे रन बनाएंगे ताकि इंडियन टीम में वापसी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।